पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसमें आवश्यक दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें 1 माह से बंद हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में राज्य शासन ने 28 अप्रैल तक शराब की दुकानों को बंद रखने का फरमान जारी किया है। ऐसे में शराब प्रेमी अपनी प्यास बुझाने के लिए महुआ शराब का सेवन कर रहे हैं, जिससे राज्य में अवैध महुआ बनाने एवं बिक्री करने का कारोबार भारी मात्रा में चल रहा है। आपको बता दें कि सारनगढ़ अंतर्गत आने वाले कोसीर सहित आसपास के गांवों में भी महुआ शराब की बिक्री इन दिनों जमकर हो रही है, जिस पर कोसीर पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर बीती शाम को ग्राम रक्षा के एक युवक खलेंद्र भारद्वाज उम्र 32 वर्ष के यहां छापामार कार्यवाही करते हुए 15 लीटर महुआ शराब जब्त की है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी विजय पैंकरा, उप निरीक्षक महादेवा चौहान, हेड कांस्टेबल आरती दास महंत के साथ अन्य स्टाफ की भी सक्रिय भूमिका रही। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रेरणा अग्रवाल की रिपोर्ट। सर, जानकारी मिली कि कोसी पुलिस के द्वारा एक युवक के घर से अवैध महुआ शराब जब्त किया गया, सर पूरा मामला क्या है और क्या कार्रवाई की गई है? कल दिनांक 23/4/2020 को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली, एक खलन भारद्वाज रक्षा कर रहने वाला है, अवैध रूप से भारी मात्रा में महुआ शराब बेचने हेतु रखा गया है। इस सूचना की तस्दीकी हेतु कोसी पुलिस द्वारा उसके घर जाकर रेड उसको गांव जाकर रेड किया गया। उसके द्वारा अवैध रूप से 3 जेरिकन में जो 5-5 लीटर का है, कुल 15 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध थाना कोसी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 34/2/59 का आबकारी एक्ट तहत कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया है, उसको रिमांड में न्यायालय भेजा जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.